दोस्तों इंस्टाग्राम पे मुझे बहुत सारे लोग डीएम कर रहे हैं कि सर आपका जो यूट्यूब वेस्ट वाला वीडियो था वो क्यों डिलीट हो गया, आखिर इसके पीछे क्या वजह थी। तो देखिए, अगर एक दो बंदा डीएम करके पूछे तो जवाब देना आसान है, लेकिन अगर मेजोरिटी ऑफ पीपल यानी बहुत ज़्यादा लोग अगर डीएम करने लग जाए तो ऐसे में जवाब देना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो फिर मैंने सोचा कि क्यों ना एक वीडियो ही बना दो, तो इसलिए मैंने ये वीडियो बनाई है। देखिए, सबसे पहले क्या था कि मैंने एक वीडियो बनाया था कि YouTube Vanced क्या है, जिसमें मैंने फुल एक्सप्लेन किया था कि YouTube जो है YouTube का ही एक कॉपी है YouTube Vanced। फर्क बस इतना है कि YouTube में एडवर्टीजमेंट दिखाए जाते हैं जबकि YouTube Vanced में एडवर्टीजमेंट नहीं दिखाए जाते हैं। जब आप YouTube पे कोई भी वीडियोस देखते हैं तो वहाँ पे एडवर्टीजमेंट दिखाए जाते हैं। अगर आप एडवर्टीजमेंट नहीं देखना चाहते हैं तो YouTube का प्रीमियम सब्सक्रिप्शन आता है, अगर आप वो ले लेते हैं तो आपको एक भी एडवर्टीजमेंट नहीं दिखाए जाएंगे। लेकिन YouTube Vanced में क्या है कि ये टोटली फ्री है, इसमें कोई भी एडवर्टीजमेंट नहीं दिखाए जाते हैं और इसमें कोई भी प्रीमियम सब्सक्रिप्शन लेना नहीं पड़ता है। इसी वजह से पूरी दुनिया YouTube Vanced के पीछे भाग रही है। तो लोग जो है वो मुझे कमेंट कर रहे थे कि सर आप YouTube Vanced एप्लीकेशन यूज करने का तरीका बताइए, APK डाउनलोड करने का तरीका बताइए। तो फिर मैंने सेकेंड वीडियो बनाया था कि YouTube Vanced वापस आ सकता है या नहीं। तो उस वीडियो में मैंने पॉसिबिलिटी की बात कही है कि YouTube Vanced वापस आएगा या फिर नहीं। तो वो वीडियो और ज़्यादा चलने लगा, जिसपे बहुत ज़्यादा लोग कमेंट भी करने लगे कि सर आप YouTube Vanced एप्लीकेशन डाउनलोड करने का तरीका बताइए। हालांकि ये बात मैं बखूबी जानता था कि ऐसा बताना YouTube की कम्युनिटी गाइडलाइंस के खिलाफ होगा, इसलिए मैं YouTube Vanced का APK डाउनलोड करने का तरीका नहीं बता रहा था। लेकिन फिर मैं सोचा कि जो लोग YouTube Vanced ऑलरेडी यूज़ कर रहे हैं, किसी को परेशानी आ रही है, किसी का सर्वर एरर आ रहा है और किसी का ऐसे ही चल रहा है, तो क्यों ना एक प्रॉब्लम सॉल्विंग वीडियो बना दूं। तो फिर एक वीडियो बनाया था कि YouTube Vanced एप्लीकेशन में जो 400 का जो एरर आ रहा है उसको कैसे सॉल्व करें। तो वो वीडियो और ज़्यादा चलने लगा, जिसपे बहुत ज़्यादा लोग कमेंट करने लगे कि सर आप APK डाउनलोड करने का तरीका बताइए, सर प्लीज़ बताइए। मतलब इतने ज़्यादा लोग कमेंट्स करने लगे कि मैं मजबूर हो गया। मैं सिर्फ ये सोच रहा था कि हमारे जो टेक्निकल मेहता फैमिली के मेंबर हैं वो मुझसे कुछ डिमांड कर रहे हैं, उस डिमांड को मैं कैसे फुलफिल ना करूं। थोड़ी देर के लिए YouTube कम्युनिटी गाइडलाइंस का जो पॉलिसी है वो मैं भूल गया था। मैं सोचा कि बना ही देता हूं, क्योंकि एक दो कमेंट्स नहीं थे, बहुत ज़्यादा कमेंट्स थे। तो फिर मैंने एक YouTube पे वीडियो सर्च किया जिसमें APK डाउनलोड करने का तरीका कोई बताया था, पता नहीं वो फेक वीडियो था कि क्या था, मैंने प्ले करके नहीं देखा था, उसका थंबनेल और टाइटल देखा था और मेन चीज़ ये देखा कि उस वीडियो को डाले हुए 1 साल हो गया था। तो मैंने सोचा कि जब ये बंदा 1 साल से डाला हुआ है तो इसको कुछ नहीं हुआ, यानी YouTube ने इसके वीडियो को डिलीट नहीं किया। तो मैंने सोचा कि ज़्यादा नहीं, बस 7 दिन यानी 7 डेज के लिए हम वीडियो अपलोड करके रख देते हैं, बाद में फिर उसको डिलीट करके हटा देंगे। लेकिन मुझे क्या पता था कि YouTube 2 दिन के अंदर डिलीट कर लेगी। तो ओवरऑल मैंने APK डाउनलोड करने का तरीका बता दिया था, जिसपे बहुत सारे लोग थैंक यू सर, बहुत लोग मतलब अप्रिसिएट किए। लेकिन उस वीडियो को अपलोड किए 2 दिन भी ठीक से नहीं हुआ था और YouTube ने स्ट्राइक दे दी और 1 सप्ताह के लिए अपलोडिंग बंद कर दिया, और स्ट्राइक का ड्यूरेशन है 90 डेज। मैं एकदम परेशान हो गया कि भाई YouTube Vanced के ऊपर इतने सारे वीडियोज़ हैं, अगर थोड़ी भी देर करूँगा तो फिर सब पे स्ट्राइक लगा तो फिर चैनल तो बहुत खतरे में आ जाएगी। तो YouTube Vanced 400 एरर वाला जो वीडियो था उसको भी मैंने डिलीट कर दिया। फिर मैंने सोचा कि कन्फ्यूज़न वाला जो वीडियो है, क्या YouTube Vanced वापस आ सकता है या नहीं, कि उसको भी कहीं गलत वे में YouTube ना ले ले, कहीं उस पर भी स्ट्राइक ना आ जाए, तो फिर मैंने उस वीडियो को भी डिलीट कर दिया। फिर YouTube Vanced क्या होता है वो वीडियो भी मैंने डिलीट कर दिया, मैं एकदम डर सा गया था। और एक और वीडियो था, हाउ टू क्रिएट फेक व्हाट्सएप अकाउंट, उस वीडियो को भी मैंने डिलीट कर दिया। मैं बहुत डर गया था, डर इसलिए गया था क्योंकि मुझे जो कम्युनिटी गाइडलाइंस का जो स्ट्राइक वार्निंग मिला था 2020 में, वो गलत वे में मिला था, उसमें मेरी एक छोटी सी भी गलती नहीं थी, फिर भी मुझे कम्युनिटी गाइडलाइंस के स्ट्राइक वार्निंग दी गई थी। तो फिर मैंने सोचा कि YouTube का कोई भरोसा नहीं है, वो बिना आइडेंटिफिकेशन किए भी स्ट्राइक लगा सकता है। तो ओवरऑल मैंने डर के मारे 5 वीडियो डिलीट कर दिया। 2020 वाला मैं एक केस बताता हूँ, मैंने एक वीडियो बनाया था जो कि उस टाइम ट्रेंडिंग में चल रहा था, टिकटॉक पे ट्रेंड चल रहा था, स्कॉल ब्रेकर चैलेंज, जिसमें 3 लोग होते थे, 1 2 3, तो पहले दोनों साइड के उछलते थे, उसके बाद फिर बीचले वाले को बोलते थे कि भाई तू भी उछल, जैसे वो बीच वाला उछलता था दोनों जन किक मार के गिरा देता था। तो ऐसे में क्या है कि किसी का सर फट सकता है और गर्दन डैमेज हो सकता है और या फिर इंसान मर भी सकता है। तो उस वीडियो में मैंने इंसान के बचाव में वीडियो बनाया था कि आप ऐसे चैलेंजेस ना करें जिससे आपको नुकसान हो, इंजर्ड हो आप। लेकिन YouTube ने क्या किया, उस वीडियो पे कम्युनिटी गाइडलाइंस स्ट्राइक का वार्निंग दे दिया, आप अपने चैनल पे पहली ऐसी गलती कर रहे हैं जिसकी वजह से मैं आपको कम्युनिटी गाइडलाइंस का स्ट्राइक वार्निंग दे रहा हूँ, स्ट्राइक नहीं लगा रहा। अगर आप नेक्स्ट टाइम कोई भी गलती करते हैं कम्युनिटी गाइडलाइंस को अगर आप वॉयलेट करते हैं तो आपको स्ट्राइक दी जाएगी। हालांकि ऐसा नहीं मैं एकदम चुप हो गया, उस टाइम मैंने अपील भी किया था कि आप मेरे वीडियोस को देखें, रिव्यू करें, मेरी 1% भी गलती नहीं है।
तो YouTube टीम ने बोला कि अभी COVID-19 का दौर चल रहा है, सो अभी बहुत सारे लोग ऑफिस नहीं आ रहे, इसलिए हम आपकी वीडियो को प्रॉपर वे में रिव्यू नहीं कर पाएंगे, और मेरे अपील को रिजेक्ट कर दिया। और आज तक उस वार्निंग स्ट्राइक को YouTube ने हटाया नहीं, इसी वजह से मैं बहुत ज़्यादा डर गया था, और यही कारण है कि मैंने 5 वीडियोस डिलीट कर दिए। हालांकि अभी YouTube टीम से हमारी बातचीत चल रही है मेल के जरिए, उन्हें मैंने सारी चीज़ें बताई हैं कि भाई 2020 में मेरी एक भी गलती नहीं थी, फिर भी YouTube की तरफ से मुझे कम्युनिटी गाइडलाइंस की स्ट्राइक वार्निंग दी गई है, उसे हटाकर YouTube की पॉलिसी के अकॉर्डिंग अभी जो मुझे स्ट्राइक दी गई है, ये कम्युनिटी गाइडलाइंस के स्ट्राइक की फर्स्ट वार्निंग होनी चाहिए। तो YouTube टीम ने कहा कि अभी हम आपसे प्रॉमिस नहीं कर सकते हैं कि वो स्ट्राइक हटेगी ही हटेगी, और फिर भी देखते हैं आगे क्या होता है। चलिए मैं भी देखता हूँ कि आगे YouTube टीम क्या सपोर्ट करती है। और YouTube टीम से मैंने ये भी कहा है कि अगर YouTube गलती करती है तो ठीक है, और अगर मैं गलती करता हूँ तो डायरेक्ट स्ट्राइक, ये कैसा इंसाफ है, प्लीज़ आप ही हमें बताएं। तो YouTube टीम जो है वो हमारे चैनल को इन्वेस्टिगेट करेगी कि भाई मैंने क्या क्या गलती की है, नहीं की है, मेरी गलती थी या फिर YouTube की थी, वो भी जाँच कर रही है, देखते हैं आगे क्या होता है। तो ओवरऑल अब से मैं ये कमिटमेंट कर चुका हूँ कि मैं ऐसी कोई भी वीडियोज़ नहीं बनाऊँगा जिससे मेरे चैनल को नुकसान हो। अगर आप हमारे साथ पर्सनली जुड़ना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टा पे फॉलो करें, मैं इंस्टा पे थोड़ा अब ज़्यादा एक्टिव रहने लगा हूँ। अगर आप मोबाइल, इंटरनेट, कंप्यूटर, साइबर सिक्योरिटी, एथिकल हैकिंग से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस ज़रूर करें। अगर अभी भी कोई टॉपिक से रिलेटेड या फिर कोई भी सवाल आपके दिमाग में घूम रहा है तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, मुझे आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।